और हम बेसिकली ये एक ऐसी सोच को डेवलप करने की वर्कशॉप है कि जिसमें अलग अलग लोग जो पहाड़ों के मुद्दों के बारे में जानते तो हैं पर उसकी गहराई जो उसकी डेप्थ है उसके बारे में उनको उस हिसाब से नहीं पता है। तो संभावना एक ऐसा मंच है जो ये सारे पहाड़ के मुद्दे और उन पे काम करने वाले जो अनुभवी लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनके और युवा और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके बीच में एक एक ब्रिज का काम करते हैं। The issues of mountains are so specific and so local that understanding those issues requires certain space and institutional space to understand mountain issues. So this program personally was very rewarding to me because it provided me a space to learn about mountain issues. यहाँ पे सीखा कि आखिर विकास असलियत में विकास क्या चीज है वो हमको यहाँ पे आके क्लियर हुआ। आज भी हमारे देश का जो किसान एक गरीब स्तर पे है आज वो गरीब का गरीबी है ना, उसका स्तर कभी बढ़ा नहीं है क्योंकि सरकार ने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। केवल जीडीपी बढ़ाने की तो बात करी है जो ऊंचे लेवल के लोग हैं, केवल उनकी तरक्की करी है जो गरीब लोग हैं जो हमारी झोपड़पट्टियों में रहने वाले हैं जो वाकई में हिंदुस्तानी है, उन लोगों के स्तर के बारे में कभी सोचा ही नहीं है और ना ही हम लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा जो कि मुझे संभावना में आके क्लियर हुआ कि वाकई में आज भी हमारा देश कितना गुलाम है और हम लोग कितनी गुलामी झेल रहे हैं। नेचुरल जंगल ख़त्म हो रहे हैं, कंक्रीट जंगल जो खड़े हो रहे हैं उसमें क्यों खड़े हो रहे हैं, उससे लोकल कम्युनिटीज़ क्यों अफेक्ट करती हैं, तो ये सब मुझे यहाँ पर आकर जानने का मौका मिला। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैंने ये भी समझा और जाना कि कैसे पहाड़ों में जंगलों का शोषण हो रहा है, जंगलों के शोषण के साथ साथ कैसे जो नदियां हैं ये साथ में एक सब कुछ जुड़ इंटरलिंक है। अगर आप पेड़ों को काटते हैं तो फॉरेस्ट की कमी हो रही है, उसके साथ अगर आप उसके डैम बिल्ड कर रहे हैं उसके साथ रिवर्स को अफेक्ट हो रहा है, रिवर्स अगर अफेक्ट हो रही है तो जो लोकल कम्युनिटी है उनकी इकोनॉमिक और सोशल जो स्टेटस है उसके ऊपर नेगेटिव अफेक्ट पड़ रहा है। राधा जी ने या आभा जी ने हमें बताया हम जेंडर और सेक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और आज लड़कियों की या वुमेन्स की कंडीशन दुनिया में क्या है। अनिकेत जी ने हमें पहाड़ों की दुनिया के बारे में बताया कि कैसे पहाड़ों की दुनिया एक थी और हमने कैसे कैसे इसमें डाइवर्सिफिकेशन हुई और आज पहाड़ों की स्थिति क्या है। हमले जागुरी में जो जेंडर को इशू में डिस्कसन गर्नुभएको थियो र त्यो जेंडर को इशू मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। मैले जुन जेंडर भनेर मेल एन्ड फिमेल र त्यसपछि उल्लेख गर्ने कामको बारेमा मात्रै मलाई थाहा थियो तर कसरी उनीहरूलाई त्यो काममा लगाइएको भनेर चाहिँ त्यो नयाँ चिज सिक्ने अवसर पाएँ। हमारे जो सेशन्स हुए वो इस तरह से बनाए गए थे जिससे हम ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, हमें डिफरेंट तरह की गेम्स खिलाई गई जिससे हम एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान पा रहे थे। बोथ फ्रॉम द रिसोर्स एंड स्पेशलिस्ट हु केम इन सॉर्ट ऑफ शेयर help us develop a framework to look at mountain and also from participants from host of other states in India. यहाँ पर की जैसे जो शुरुआत होती है प्रोग्राम की सुबह श्रमदान से, फिर उसके बाद सेशन से, फिर सेशन के बाद उससे रिलेटेड कोई मूवी से, उसके मूवी के बाद जो उसके रिलेटेड कोई डिस्कशन, तो एक हम एक चीज़ को बारीकी से उस चीज़ को हम समझ जाते हैं कि क्या हम इस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट हमारे लोग रखते हैं और क्या ये एक्चुअल में है। जस्तो यहाँ आइसकेपछि यहाँका रिसोर्स पर्सनहरू जो जसले मलाई चाहिँ क्लास लिनुभयो हामीलाई उहाँहरूले एकदमै जीवनोपयोगी र हामी के अभ्यास गरिरहेछौँ, कस्तो जीवन पद्धति अप्नाइरहेछौँ, हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ र हामी केलाई राम्रो मानिरहेछौँ र हुनुपर्ने के हो राम्रो भन्ने विषयमा एकदमै मैले चाहिँ नि व्यावहारिक ढङ्गले चाहिँ जुन कुरा सिक्न पाएँ बुझ्न पाएँ त्यसको लागि चाहिँ म सबै रिसोर्स पर्सनहरूलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। जो पण्डितजीले कहा कि प्रकृतिकै साथ रहेके उस
को समृद्ध रखते हुए अपनी सुख सुविधाओं को भी साथ लेके चलने को ही विकास कहा जाता है। पस में जो सारे ग्रुप्स मेंबर थे, जो जम्मू कश्मीर से थे, नेपाल से थे, सिक्किम से थे, हिमाचल से थे और अन्य राज्यों से भी थे, उनकी परिस्थिति का कुछ पता चला। जो अवधारणा हमारी थी पहले कि क्या हम लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है या हिमाचल क्या है या सिक्किम में क्या है, नेपाल में क्या है। फील्ड विजिट का संदर्भ में पहाड़ में वन में जस्तो चाहिँ कृषि गर्ने एउटा पद्धति, गाउँको चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ सिस्टम, यो सबै सिस्टम चाहिँ वातावरण मैत्री किसिमले चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, एक आपसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ एक आपसका चाहिँ परिपूरक हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो पहाडहरू हम कार्यक्रममा आइसके पछाडि मैले जुन जान्ने मौका पाएँ। हमारी जो ट्रेडिसनल जो टेक्निक्स थी, हमारे जो ट्रेडिसनल जो माध्यम थे अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो कितने अपने आप में विकसित थे और उनका आयाम कितना ज़रूरी था हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर हम कंपेयर करें हमारी आज की जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो कि सिर्फ हमें ये कहती है कि आप सिर्फ खरीदें खरीदें खरीदें, कंज्यूम करें परचेज करें कंज्यूम करें, हम बस उसी साइकिल में हम घूमते रहें और हम इन इश्यूज़ के ऊपर ना जा पाएँ, तो मुझे लगता है कि ये जो पहाड़ और हम जो वर्कशॉप की है संभावना ने, ये जो यूथ हैं उनको उनकी समझ को बदलने का एक ये अच्छा माध्यम है। जो भी लर्निंग्स हैं, चाहे भी एक पर्सपेक्टिव जो मिला, एक अंडरस्टैंडिंग जो मिली, वो मैं अपनी जगह कश्मीर बैक होम अप्लाई करूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे जैसे और बहुत से युवा इस देश के इस संस्था में आएं, इसको जाने पहचाने, क्योंकि परेशानी तो आज के टाइम पे सबको पता है, पर परेशानियों पे काम करने के लिए एक सोच चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए प्रेरणा चाहिए। तो ऐसे मंच हम जैसे युवाओं के लिए काफी प्रेरणा का स्रोत है, ऐसे मंच हमें और मिले। यहाँ पे बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं है और हम सब एक दूसरे को एक समान नजरों से देखते हैं और यही संभावना की एक equality head. In many institutions, we just talk about sort of all these grand visions for sustainable future, but we fail to live it. This space has provided that opportunity for us to observe what could be done. I mean, simple example, like, you know, building a mud house from doing a lot of local, you know, local resources. So that was something that I sort of took away. संभावना ने इस प्रोग्राम के जरिए हम सबको एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा किया। एकुमुलेशन ऑफ लर्निंग्स हुई मेरे लिए और ये बुनियाद था कि दुनिया में एक जगह है जहाँ पर हम इटोपिया रियलिस्टिक हो सकता है, तो ये संभावना एक ऐसी जगह लगी। यूथ्स एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द एजेस शुड कम एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस लाइक दिस सो दैट दे कैन हेल्प resist the destructive, you know, development models that is being pushed and also look forward to renew our sustainable local culture, material culture, social culture. So it was amazing and I really appreciate sort of Sambhaavnaa. I really congratulate Sambhaavnaa and all its team for organizing this and creating an amazing space like this.